वेलकम एवरी वन टू फिजिका सो इस वीडियो में जनरल एप्टीट्यूड के बाकी क्वेश्चन करेंगे सो अराउंड एलेवन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो so, ऑलमोस्ट मैंने उसमें से एट क्वेश्चन पहले ही कर दिए हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में करे थे सो टू थ्री क्वेश्चन हैं अराउंड थ्री क्वेश्चन हैं जो अब करूँगा इस वीडियो में सो so, एंड बाकी भी डिस्कस करेंगे कि uh, वो गलत थे या सही थे जो मैंने किए थे सो आंसर्स तो सबके सही थे बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट थी जो पहले मेमोरी बेस्ड किए थे सो so, अब ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ये आ गया तो इसमें से वन टू तो नाइन तो मैंने पहले ही कर दिए थे, लास्ट वीडियो में आपने देख सकती हैं वहां पे, एंड दिस इज टेंथ क्वेश्चन सो टेंथ क्वेश्चन था डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्स एक्स एंड वाई विद टाइम इज गिवन बिलो सो ये डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ दे रखा है एक्स और वाई का एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फॉर ईच कार एंड हमें दे रखी है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ईच कार के लिए दोनों कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज डैट एक्स हैड हाइयर एक्सेलरेशन देन वाई सो एक्स की हाइयर एक्सेलरेशन बतानी है वाई से सो so, ये जो सारे ग्राफ हैं दीज आर एक्स टी ग्राफ्स हमें दे रखे हैं पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ सो इसमें एंड हमें एक एक चीज़ दे रखी है कि ये सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं सो एक्स एंड वाई जो कार्स हैं दे आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ठीक है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मतलब अगर ए कॉन्स्टेंट है मतलब ए क्या होता है इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द विलोसिटी ठीक है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ डी वी बाई डी टी एंड अगर ये कॉन्स्टेंट होगा मतलब क्या है इसका अगर आप इसका मतलब समझेंगे इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं v2 टू माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन इज अंस्टेंट मतलब क्या विलोसिटी चेंज हो रही है एट सम रेट सो विलोसिटी चेंज हो रही है विलोसिटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस कुछ भी लिख सकते हैं तो मैं चेंज लिख रहा हूं विलोसिटी चेंजेस एट अ रेट ठीक है एट द सेम रेट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इंक्रीज होगी तो भी सेम रेट से होगी डिक्रीज होगी तो भी सेम रूट होगी ठीक है तो इसका ये मतलब है एंड हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज डेट द एक्स कार हैड एक्स जो कार्स है दिस हैड अ अस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज ग्रेटर देन द वाई कार सो दोनों की कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन हमें एक्सेलरेशन बताना है किसमें एक्स का ज्यादा होगा वाई से ठीक है तो ग्राफ पे पहले समझ लेते हैं कि कैसे कैसे सो अगर ये ग्राफ है एक्सटी ग्राफ सो अगर इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो इसका मतलब क्या है पोजीशन कॉन्स्टेंट है टाइम के साथ ठीक है मतलब क्या पोजीशन कॉन्स्टेंट है टाइम के साथ तो एक्स कॉन्स्टेंट है मतलब वेलोसिटी जीरो होगी इसमें और एक्सेलरेशन भी जीरो होगी ऐसे ही अब ये यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में यही दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है एक्स की कोई भी एक्सेलरेशन जीरो है तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है एंड वाई की अगर देखेंगे अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ दिस इज अगेन एक्सटी ग्राफ है एंड अगर ये ऐसे हम बनाए लीनियर ग्राफ है अगर लीनियर एक्सटी कर्व है इसका मतलब क्या है कि डी एक्स बाई डी टी इज़ अ कॉन्स्टेंट ठीक है जो चेंज है अगर आप चेंज देखोगे यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा एलिमेंट ले लोगे तो दोनों का चेंज जो है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा सो डी एक्स बाय डी टी या फिर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ये कांस्टेंट है एंड ये क्या होता है विलासिटी होती है सो विलासिटी इज़ अ कांस्टेंट सो अगर विलासिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन अगेन जीरो हो जाएगी ठीक है तो इन दोनों में क्या हो रहा है इन दोनों में एक्सेलरेशन जीरो है ये लीनियर है ठीक है दोनों ये कि ये स्ट्रेट लाइन है ये लीनियर है अगेन इसमें भी यही है बी ऑप्शन भी यही है तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते इन दोनों में एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई भी एक्सेलरेशन किसी से बड़ा नहीं है एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है इट इज इज जीरो बट किसी ज़... एक दूसरे से कोई बड़ा नहीं है दोनों ही जीरो हैं सो ना अब ये दो ग्राफ हैं नाओ हम एक और ग्राफ ड्रो करूँगा मैं जो हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं एक एक्सटी एक ग्राफ पे जब एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं तो हम कुछ इस तरह का कर बनाते हैं ठीक है इसका मतलब क्या है? कि एक्स पहले वेलोसिटी देखो विलोसिटी क्या इट इज द स्लोप ऑफ दिस कर ठीक है विलोसिटी स्लोप है इसका स्लोप स्लोप इज द विलोसिटी विच इज डी एक्स बाई डी टी सो स्लोप विलोसिटी डिनोट कर रहा है तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि विलोसिटी इंक्रीज कर रही है डैट इज स्लोप डैट इज स्लोप इंक्रीज कर रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट ठीक है वेलोसिटी या फिर स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसमें ठीक है यहां पे स्लोप कांस्टेंट था इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट थी यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है और सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है इसलिए हम कहेंगे वेलोसिटी इंक्रीज एट द सेम रेट एंड यही एक्सेलरेशन होती है कि वेलोसिटी इंक्रीज करे एट अ कॉन्स्टेंट रेट ठीक है उसे ही कहते हैं हम जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो इसमें एक्सेलरेशन जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और एक्सेलरेशन होता क्या इट इज़ द डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ विलॉसिटी डी वी बाई डी टी सो ये जब कॉन्स्टेंट होगा जब विलोसिटी चेंज होगी एट अ रेट, ठीक है विलॉसिटी चेंज होगी एट सम रेट सो यहाँ पे विलोसिटी इंक्रीज है एट द सेम रेट सो ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है एक एक्सटी ग्राफ में ठीक है तो हमें इस टाइप का कर्व देखना है तो इस टाइप के ये दोनों कर्व है तो इसमें से बताना है एक्स और वाई कहां पे एक्स वुड बी ग्रेटर देन ए वाई सो नाओ हाइयर स्लोप

कम स्लोप है यहाँ पे एंड स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन अगर ये पूरा टाइम देखें इस टाइम में इस पूरे टाइम में देखें तो स्लोप बहुत स्लोली चेंज हो रहा है सो so, स्लोप बहुत स्लोली स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली कर रहा है सो so, इसकी जो एक्सलरेशन होगी वो कम होगी एंड अगर इसकी एक्सेलरेशन देखें तो इसमें भी स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन बहुत कम टाइम में स्लोप उतना ही इंक्रीज़ कर गया जितना ये कर गया तो मतलब इस ग्राफ में जो सी ग्राफ दे रखा है इसमें ए एक्स इज ग्रेट ए एक्स इज लेस देन ए वाई ठीक है एक्सेलरेशन ऑफ एक्स जो है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के दोनों ग्राफ हैं लेकिन ए एक्स जो है वो कम है ए वाई से क्योंकि विद इन अ स्मॉल टाइम स्लोप बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है ठीक है तो हमें यही देखना है कि हाइयर स्लोप चेंज कहां पे हो रहा है ठीक है इसका मतलब यही है कि हायर विलॉसिटी चेंज कहाँ पे हो रहा है ठीक है वही देखना हमें हायर विलोसिटी चेंज विद इन अ स्मॉल टाइम यही होता है एक्सेलरेशन डी वी वाई डी टी विच इज़ ए तो हम यही चेक कर रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट ग्राफ में देखेंगे सो so यहाँ पे x कम टाइम में बहुत जल्दी चेंज हो गया यहाँ पे ए एक्स जो डी पार्ट है उसमें ए एक्स की जो है y के कंपेरिजन में देखेंगे तो y में स्लोली चेंज हो रहा है विद इन अ लार्ज टाइम सो यहाँ पे जो ए वाई है वो लेस है देन ए एक्स सो एक्स यहाँ पे ग्रेटर है ए वाई से सो so, मैं यही पूछा था कि किस ग्राफ में एक्सेलरेशन ऑफ एक्स कार एक्स का, का ज़्यादा होगा वाई से सो ए एक्स इज ग्रेटर देन ए वाई इन द फोर्थ ग्राफ दिस ग्राफ में सो so, यही आंसर होगा इसका नाउ एक क्वेश्चन था नाउ बाकी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं तो मैं डायरेक्ट मूव कर देता हूँ uh, थिंक फिफ्टींथ क्वेश्चन हमें करना है सो या दिस वन क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टींथ क्वेश्चन सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम थ्री साइकिलिस्ट पी क्यू आर मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड्स एटीन ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी सिक्स किलोमीटर रिस्पेक्टिवली सो एक सर्कुलर पाथ है एंड सेम पॉइंट से तीनों स्टार्ट कर रहे हैं पी क्यू आर पी क्यू आर सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तीनों एंड एट द सेम पॉइंट मतलब अगर इसकी पोजीशन हम जीरो ले लेते हैं इंस्टेंट में एट एट टी इज़ इक्वल टू जीरो क्योंकि एक ही पॉइंट एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से तीनों स्टार्ट कर रहे हैं सो एट एक्स इक्ल टू जीरो टी इज इक्ल टू जीरो ये तीनों स्टार्ट करते हैं एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन सो तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ठीक है ऑन अ सर्कुलर पाथ इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड्स सो स्पीड्स सबकी अलग अलग है लेकिन ठीक है तो स्पीड अलग अलग है तो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे डिफरेंट टाइम में तीनों सो so, पी की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर क्यू की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर एंड आर की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर नाओ हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द पाथ दे रखी है सो so इसकी जो पूरा डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सरकमफ्रेंस और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं टैटस सर्कल की क्या होती है टू पाई आर होती है एंड वो हमें दे रखा है फाइव पॉइंट फोर किलोमीटर दस सर कम्फ्रेंस आफ्टर अ लैप्स ऑफ हाउ मच टाइम वुड दे ऑल मीट एट द सेम स्टार्ट पॉइंट अगेन सो ये हमारे पास पूछा है कि कितने लैप्स के बाद कितने राउंड्स के बाद कितने टाइम पे वो दोबारा मीट करेंगे ऐट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट ये यही स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो पर वो कब मिलेंगे ठीक है हमें यह पूछा है कि कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे दोबारा तो हम इसमें क्या करते हैं सबसे पहले इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये सॉरी हम हमें स्पीड दे रखी है इनकी एंड हमें डिस्टेंस भी पता है सो हम इनका टाइम निकाल सकते हैं सो पी के लिए क्या होगा टाइम निकाल रहे हैं हम टाइम फॉर कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग वन लूप सो वन लूप या फिर वन राउंड ताकि ये यहाँ से मूव करें इस सर्कल पे ऐसे ऐसे मूव करें एंड स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाए तो टाइम सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि स्पीड सबकी अलग अलग है तो हम टाइम निकाल सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल वन साइकिल पूरी जब ये यहाँ से मूव करेंगे एंड वापस यहाँ पे आ जाएंगे तो वो क्या होगा सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं सो so, हमें इनकी स्पीड पता है सो टाइम सिंपली हो जाएगा इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस हमें दे रखा है फाइव पॉइंट फोर किलोमीटर ही कवर करेंगे जो सरकम फ्रेंस पर मूव कर रहे हैं सो so, इसके लिए टाइम हो जाएगा अगर टी पी लिखूँ इसे सो डैट विल बी डिस्टेंस है 5.4 किलोमीटर एंड स्पीड है इसकी 18 किलोमीटर पर आवर सो इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.5 पॉइंट आवर्स ऐसे ही क्यू का देखेंगे डिस्टेंस टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन लूप डैट विल बी डिस्टेंस इसके लिए भी सेम है बट इसकी स्पीड ज़्यादा है सो so ये कम डिस्टेंस में ट्रैवल कर लेगा कम टाइम में ट्रैवल कर लेगा सेम डिस्टेंस सो so ये आएगा ज़ीरो पॉइंट टू आवर एंड आर के लिए अगर देखेंगे टी आर सो ये आएगा फाइव पॉइंट फोर किलोमीटर अगेन इसका सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एंड इसकी स्पीड और भी ज़्यादा है तो so ये और कम टाइम में ट्रैवल कर लेगा तो so ये आएगा ज़ीरो पॉइंट वन फाइव आवर ठीक है एग्जैक्टली exactly यही यही वैल्यूज आएंगी नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है कब ये तीनों जितने मर्जी लूप ट्रैवल करें कब ये तीनों एक ही पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जब हमें टाइम पता चल गया है एक लूप का कर ट्रेवल करने का तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा जब इसका एलसीएम सी एम लिखेंगे जीरो पॉइंट थ्री तो एल आएगा जीरो आवर ठीक है आप एल चेक कर लेना जीरो आवर आएगा सो so, अगर एलसीएम इसका सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स आवर आ रहा है मतलब क्या है कि पी जो है अगर पी का देखेंगे पी का जो है पी कितने लूप ट्रैवल करेगा 0.6 पॉइंट सिक्स आवर जीरो पॉइंट सिक्स आवर कितना होगा 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू सिक्सटी मिनट कर देते हैं ठीक है आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड डैट विल बी 36 सिक्स मिनट सो थर्टी मिनट में सो so, पी को uh, 36 सिक्स मिनट में कितने लूप ट्रैवल करेगा ये सो जीरो पॉइंट सिक्स आवर में एल्सियम जो है जीरो पॉइंट सिक्स सो पी कवर करेगा जीरो पॉइंट सिक्स आवर में टू लूप्स ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स बाय जीरो पॉइंट थ्री कर देना सो so टू लूप ट्रैवल करेगा क्यू कितने लूप ट्रैवल कर लेगा जीरो पॉइंट टू आवर में एक लूप ट्रैवल करता है तो ज़ीरो पॉइंट सिक्स आवर में थ्री लूप ट्रेवल करेगा ऐसे ही आर कितने लूप ट्रैवल करेगा 0.15 आवर में एक करता है तो so 0.6 में फोर करेगा सो so, जब P की क्योंकि स्पीड कम है तो ये जब दो लूप ट्रेवल कर लेगा सो so P जब दो लूप ट्रेवल कर लेगा ये यहां पे आ जाएगा ऐसे ही Q जब थ्री लूप ट्रेवल कर लेगा तो वो यहां पे आ जाएगा ऐसे ही R जब फोर लूप ट्रेवल कर लेगा वो भी यहां पे आ जाएगा तो आफ्टर 36 मिनट और 0.6 पॉइंट आवर के बाद ये तीनों मीट करेंगे एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में ये एल्शियम ही लेना पड़ता है तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन में से ही पहले हर ऑप्शन चेक करो तो उसमें थोड़ा टाइम uh, ज़्यादा लगेगा सो so ये शॉर्टकट होता है कि आप एल्सियम ले लो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें दे रखा 36 minute, है 36 मिनट एंड डैट विल बी करेक्ट ठीक है एंड एक ये क्वेश्चन था सिक्सटीन क्वेश्चन ये भी मैंने नहीं किया था सो दिस वॉज सप्लाई ऑफ फूड टू अ कम्युनिटी इज रिड्यूजिंग एट अ कॉन्सटेंटरेट सो सप्लाई ऑफ फूड इज रिड्यूसिंग एट सम कॉन्सेंट्रेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच पॉपुलेशन इज डाइंग आउट सो पॉपुलेशन कम होती जा रही है उसकी वजह से इग्नोरिंग अदर फैक्टर्स विच ऑफ देंट्स कैन बी मेड अबाउट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन सो लॉन्ग टर्म में बताना है कि पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मतलब एक ऐसे ग्राफ है जिसमें जो सप्लाई ऑफ फूड है सॉरी मैं सप्लाई ऑफ फूड को यहाँ पे ले लेता हूँ सप्लाई ऑफ फूड एंड यहाँ पे हम ले सकते हैं पॉपुलेशन सो पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही है इन्होंने दे रखा है पॉपुलेशन इज डाइंग आउट सो पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है जब सप्लाई ऑफ फूड डिक्रीज़ कर रही है सो सप्लाई ऑफ फूड एक कॉन्सटेंट रेट से डिक्रीज कर रही है एंड पॉपुलेशन का मैं बता नहीं रखा किस रेट से डिक्रीज कर रही है तो लेट्स एज्यूम एक लीनियर ही डिक्रीज कर रही है सो सप्लाई ऑफ फूड डिक्रीज़ कर रही है सो so, पॉपुलेशन भी डिक्रीज कर रही है एंड हमें बताया है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा सो लॉन्ग टर्म में क्या होगा इसमें सो so, बेसिकली अगर फूड की सप्लाई अगर कॉन्स्टेंट रेट से इसने बोला है डिक्रीज कर ही जा रही है सो so, वो डिक्रीज़ करती जाएगी सो पॉपुलेशन उस हिसाब से लास्ट में क्या होगा कि सप्लाई फूड ज़ीरो हो जाएगी एंड उस टाइम पे क्या होगा पॉपुलेशन भी जीरो हो जाएगी ठीक है सो so, इवेंचुअली क्या होगा कि फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है इट एटविट इवेंचुअली डा आउट कम्प्लीटली सो इवेंचुअली जब सप्लाई ऑफ फूड जीरो हो जाएगी क्योंकि कॉन्टेंट रेट से डिक्रीज़ ही करी जा रही है सो कॉन्सटेंट रेट से डिक्रीज़ करेगी तो इवेंचुअली जीरो पे तो पहुँच जाएगी तो जीरो पर पहुँच जाएगी तो फूड की जब सप्लाई जीरो होगी है तो पॉपुलेशन भी ऑफकोर्स ज़ीरो हो जाएगी एंड अदर फैक्टर्स हम कुछ भी नहीं ले रहे तो फूड तो असेंशियल चीज़ है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसमें तो कुछ था नहीं बस थोड़ा बस देखना था एंड बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं इट विल स्टेबलाइज़ एट अ नॉन ज़ीरो नंबर सो स्टेबलाइज तो नहीं होगी क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ फूड ज़ीरो होगी है तो ऐसा तो नहीं है ये कोई कॉन्स्टेंट पॉइंट पे आके रुक जाएगा तो फूड तो चाहिए फूड इज़ अ नेसेसरी चीज़ एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इट विल इंक्रीज़ आफ्टर रीचिंग अ मिनिमम नो अगर वो डिक्रीज ही होती जा रही है अगर ये देता कि सप्लाई ऑफ फूड बाद में इंक्रीज भी हो रही है तो होता कि ये इंक्रीज़ करेगी बाद में इट विल फॉल एंड राइज़ रिपीटली नहीं ये भी गलत है तो मोस्ट अप्रोपरेट फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन इट विल इवेंचुअली डाई आउट कंप्लीटली सो बाकी क्वेश्चन एक बार ही देख लेते हैं सो दिस वॉज द क्वेश्चन पी क्यू आर एस इज अ ट्राइंगल सो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कर दिया था मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सो दिस इज़ द ये क्वेश्चन मैंने लिखा था जो पहले मेमोरी बेस्ड पे लिखा था सो सेम क्वेश्चन है पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वार्टर सर्कल सो ये एक रेक्टेंगल दे रखा था पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल है सो so इसलिए हमने इसे 90 डिग्री ले रखा था सो so पहले जब था पहले किसी ने बताया नहीं था मेरे को कि एक रेक्टेंगल ऐसे क्वेश्चन में दे रखा था सो so हमने ज्यूम ही कर लिया था कि ये 90 डिग्री होगा ये एंगल पी वाला सो so वही लेके इंसक्राइब्ड इन अ सर्कल एज चोन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दे रखा है और पी क्यू दे रखा है ठीक है तो वही क्वेश्चन है सेम एंड एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल हमने निकाला है सो so एरिया इस सर्कल का ऐसे निकाला था जब ये क्वार्टर सर्कल ले लिया था और ये हमने रेडियस की लेंथ निकाल ली ले थी पी आर की सो so बस ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके पी आर की हमने लेंथ निकाल ली ले और फिर सिंपली पाई आर स्क्वेयर बाई फोर होता है एरिया क्वार्टर का तो वो उससे हमने निकाल लिया था ट्वेंटी फाइव पाई इसका आंसर आएगा सो बी ऑप्शन वॉज करेक्ट ठीक है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्रेपीजियम वाला था ट्रेपीजियम वाला भी अभी देखा था ये दिस वॉज द ट्रेपीजियम वाला सो सेम क्वेश्चन है जो मेमरी बेस्ड में किया था एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम एज शोन इन द फिगर सो इसका एरिया बताना था सो so सिंपली आप ट्रेपीजियम का सिंपली फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ बेस इन टू सम साइड्स सम ऑफ पैरल साइड्स या फिर आप uh, इसको डिवाइड करके इस ट्रैंगल का एरिया फिर इस स्क्वेयर का सो so आंसर आएगा सी ऑप्शन आर ए प्लस बी सो इसमें मैंने सी ऑप्शन लिखा था लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर में है वो डी ऑप्शन है आर ए प्लस बी सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट अगर यहाँ पे देखें तो ठीक है डी ऑप्शन आर ए प्लस बी नाउ टेन इसके बाद थर्टीनथ क्वेश्चन भी मैंने कर दिया था कि सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन था ये सेंटर ऑफ मास ये सेंटर ऑफ मास फॉर अ मैन इनिशियली फुल बकेट वाटर इज ड्रिपिंग डाउन कंटिन्यूसली फ्रॉम द बकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बकेट विद वाटर सेंटर ऑफ मास विद बकेट ऑफ बकेट विद वाटर मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना था कैसे मूव करेगा तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था अलग अलग सेंटर ऑफ मास जैसे लोग हैं तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास विल मूव डाउनवर्ड फर्स्ट सो पहले नीचे जाएगा एंड देन इट विल मूव अपवर्ड सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन ये डी ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट है सो so, मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन में सेम लिखा था लेकिन एक्चुअली जो है वो डी ऑप्शन है इसमें मूव फर्स्ट डाउनवर्ड फर्स्ट सो ऑप्शन इधर उधर थे जो मैंने लिखे थे सो so, ये मेमरी बेस्ड थे जो स्टूडेंट ने दिए थे वैसे मैंने लिख लिए थे सो so, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है एंड यही एक्चुअल आंसर की में भी यही सब है तो सारे जो क्वेश्चन मैंने पहले किए थे सब करेक्ट थे एंड ये क्वेश्चन है एक सेवन परसेंट ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो सो so, ये ऑप्शन ये क्वेश्चन भी किया था आई थिंक ये रहा सेवन परसेंट ए बी सी डी आर सिटिंग इन रो सो ये क्वेश्चंस को आप देख लेना कैसे कैसे अरेंज किया था मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे कैसे इसका आंसर ये एफ होगा डी ऑप्शन एफ सो यहाँ पे भी डी है सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा एफ जो है वो कभी भी सेंटर में नहीं होगा ठीक है एंड नेक्स्ट ये अभी हमने सोल्व किया एंड इसके नेक्स्ट भी ये भी हमने अभी सोल्व किया एंड सेवनटींथ अ मार्क्स मैन हैड फोर सक्सेस सो ये प्रोबेबलिटी वाला क्वेश्चन था एंड इसका भी मैंने एक वीडियो में सॉल्व किया था एंड इसकी प्रोबेबलिटी बतानी थी डैट so, ही हैड थ्री कॉन्सिक्यूटिव सक्सेस सो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है एंड इसका आंसर होगा ये ए ऑप्शन सो ए ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर बताया था विट इज़ नाइन बाई फाइव सो नाइन बाई फिफ्टीन इसका आंसर होगा ठीक है तो इसमें भी ए ऑप्शन ही है एंड नाउ एटीनथ क्वेश्चन सो स्कोर्स दे रखे थे इसमें ग्रुप ए एग्जामिनेशन सो एंड ग्रुप बी के दे रखे थे तो इसमें बताना था मिसिंग क्या होगा सो so, मिसिंग मैंने यहाँ पे बता दिया था अर्थोमेटिक मीन यूज करके यू कैन कैलकुलेट एक्स विल बी एट्टी सो एट्टी इसका ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट ठीक है तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा नौ नेक्स्ट नाइन्थ नाइनटीन सो इसमें वायर को हम बेंड कर देते हैं स्क्वेयर uh, की शेप में वेंड होती है देन उसे सर्कल के शेप में सो सेम लेंथ सेम होती है तो वही यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो एरिया इनक्लोज आएगा फोर एम बाई पाई सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ठीक है सो फोर एम बाई पाई एंड नेक्स्ट इन अ फ्लाइट ऑफ एट हंड्रेड किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर सो ये क्वेश्चन भी किया था आई uh, थिंक या दिस वन सो इन अ फ्लाइट ऑफ सिक्स हंड्रेड किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वर् स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर देन इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज दिस 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 एंड ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है जो मैंने लिख रखा है सो एग्जैक्टली यही है शेड्यूल ड्योरेशन ऑफ द फ्लाइट बताना था सो so जो आंसर आएगा वो आएगा वन आवर सो आउट ऑफ दिस ऑप्शन ये ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसमें वन आवर्स ठीक है इसमें भी ए ऑप्शन ही है विच इज़ करेक्ट ठीक है सो so आप ये कैलकुलेट कर सकते सो so मैंने ये कर दिया था आप अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं ठीक है सो थैंक यू